हेलो एंड वेलकम। आज हम बनाएंगे जंपिंग गेम इन स्क्रैच। तो जंपिंग गेम्स वो होते हैं जहाँ पे हमारा स्प्राइट जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करता है या उसको जंप करके दूसरे साइड पे जाता है और वो उसे पॉइंट्स मिलते हैं या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर हम कीज़ को यूज़ करके स्प्राइट को जंप करा सकते हैं। तो कैसे हम जंप कराएंगे, ये हमारा स्प्राइट है। हम पहले एक बैकड्रॉप लगा लेते हैं, हमें आउटडोर्स चाहिए बैकड्रॉप। लेट्स ये वाला ले लेते हैं। हमें स्प्राइट यहाँ पे चाहिए एंड थोड़ा साइज़ इसका रिड्यूस चाहिए, तो हम साइज़ पहले कम कर लेंगे और फिर जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ पोजीशन कर लीजिए। तो मुझे इसकी पोजीशन यहाँ लेवल पे चाहिए। पोजीशन लेवल करने के बाद आप यहाँ से गो टू ले लीजिए कि जब हमारा गेम स्टार्ट हो तो स्प्राइट की पोजीशन यहाँ पे हो। फिर एक इवेंट ले लेते हैं, हमें व्हेन क्लिक हमें स्प्राइट की ये पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए। फिर इसे जंप कराना है, तो जंप कराना है दिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमें इसे अप एंड डाउन करना है, तो यानी हमें वाई पोजीशन को चेंज करना है। तो मोशंस में जाएंगे, हम y लेंगे, हम y को चेंज करना चाहते हैं बाय 10 जब हम स्पेस की प्रेस करें। तो यहाँ से इवेंट्स में जाएंगे, व्हेन स्पेस की प्रेस हम इसको चेंज करना चाहते हैं 10 टाइम्स, तो कंट्रोल भी ले लीजिए एक, क्योंकि हमें इसे रिपीट कराना है, तो रिपीट बाय 10। तो स्पेस की प्रेस करेंगे, अगर हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये अप जाता है एंड इसको डाउन भी कराना है, तो चेंज फिर से करेंगे, रिपीट करेंगे 10 टाइम्स एंड अब इस बार चेंज करेंगे y को -10 से, दैट इज इसको हम डाउन भी चेंज करेंगे। चेक करते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है एंड नीचे जा रहा है। अभी हम इसकी पोजीशंस वापस से चेंज करेंगे। ओके, ये हमने क्लिक किया, ये पोजीशन सेट कर दी, चेंज हमने किया 10 टाइम्स व्हेन स्पेस की प्रेस अप एंड डाउन। जैसे ही ये पोजीशन चेंज होती है हम अपने पॉइंट्स या स्कोर को भी चेंज करना चाहते हैं, तो पॉइंट्स और स्कोर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ वेरिएबल एक बना लेते हैं से पॉइंट्स एंड इसको यहाँ पे पहले सेट कर देते हैं इनिशियली जब गेम स्टार्ट हो तो ये ज़ीरो हो एंड जैसे ही ये स्प्राइट किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेगा तो हम इसका पॉइंट्स इंक्रीज कर लेते हैं। हम इसमें कुछ साउंड भी लगा लेते हैं, जैसे सार्ट्स साउंड, या तो म्याऊ है, आप चाहें तो पॉप साउंड या कुछ और साउंड लगा भी सकते हैं। तो एक बारी इसको फिर से चेक करते हैं, ये मेरा स्प्राइट है, स्पेस की प्रेस करने में अप एंड डाउन हो रहा है एंड हमारे पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक और हम स्प्राइट लेते हैं, एक ऑब्स्टिकल लेते हैं जिसको ये क्रॉस करेगा, तो एक सेकेंड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, से डोनट में ले रही हूँ एंड यहाँ पोजीशन करेंगे, इसकी साइज़ थोड़ी रिड्यूस कर देते हैं एंड यहाँ पोजीशन करते हैं, इट इज़ ऑलरेडी ये यहाँ पे आ गया है। तो इसकी मोशन में ले लेते हैं गो टू ये पोजीशन, ये जो जहाँ पे अभी ये प्लेस्ड है, और ये फॉरएवर क्या करे, ये इस साइड से राइट साइड पे लेफ्ट साइड को मूव करें, हम इसको ग्लाइड कराना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ तक ग्लाइड कराएंगे तो हम ये चूज़ कर लेते हैं एक्स टू वाई, तो ऑलरेडी आप यहाँ देख रहे हैं ग्लाइड यहाँ इस साइड से ये इधर जाएगा एंड ये बार बार रिपीट हो, तो बार बार रिपीट करने के लिए हम इसमें फॉरएवर लगा लेते हैं, फॉरएवर एंड ये कब हो, जब हमारा फ्लैग क्लिक हो। लेट्स सी, ये ग्लाइड करके राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा है,
ये हमें चाहिए, एंड अगर हम अपना स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेगा, जंप करेगा। जैसे ही ये डोनट स्प्राइट को क्लिक करता है तो हम स्टॉप करेंगे एंड मैसेज एक फ्लैश करेंगे कि यू लॉस्ट। तो यहाँ एक और ले लेते हैं, एक मैसेज ले लेते हैं से लॉस्ट फॉर 1 सेकेंड, एंड हम सारे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको सबको स्टॉप कर देंगे कि स्टॉप, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेट कराएंगे जब तक कि कब तक कि ये हमारा जो स्प्राइट को टच नहीं करता। तो वेट अंटिल टचिंग दी स्प्राइट, ये हमारा स्प्राइट वन है, एंड जैसे ही ये स्प्राइट को क्लिक करेगा ये ऐसे मैसेज आएगा लॉस्ट, एंड सारे स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाएंगे। हम एक बारी सबको फिर से रिफ्रेश करके स्टार्ट करते हैं। नॉइस इंक्रीज हो रहे हैं, ये टच हुआ एंड स्टॉप हो गया। डिफरेंट लेवल्स ऐड कर सकते हैं, एक और स्प्राइट ऐड कर सकते हैं, एक और डोनट ऐड कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ऑब्स्टिकल्स जल्दी जल्दी आएँ और हम स्प्राइट को यूज़ करके जंप करें। सो ये हमारा सिंपल सा जंपिंग गेम है। सो होप यू फाउंड इट एक्साइटिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।